बड़ी आई मैं एट पैकेजेस मॉल अपनी बेटी को मैं लेके आई हुई और ये यहाँ पर आई नहीं है और जस्ट नाउ मैं क्यों मैं खड़ी हुई थी इतनी लंबी क्यों थी और सम लेडीज जस्ट क्रैश थे वो कोई फैन आ गए सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल फातिमा को मैं लेके जा रही हूँ थोड़े से लोग बहुत इम्पेशेंट हैं सब लोग कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं और कोई लिफ्ट में जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है अंदर फातिमा फातिमा को मैं प्ले एरिया में छोड़ूंगी फिर थोड़ी ग्रोसरी करूंगी तो आपको मैं थोड़ा दिखाती भी हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं दिस इज लाइक सुपर स्पेस और ये बच्चों के प्ले एरिया है तो फातिमा जी यहाँ पे जाने वाली हैं और फिर हम ये प्ले एरिया में जाके बच्चे प्ले एरिया में आपको पता कैसे हो जाते हैं प्ले एरिया Come on, you can do it. मैं अपनी हेल्पर के साथ वहाँ छोड़ दिया प्ले एरिया में और अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ ग्रोसरी कैसे करती हूँ अब आप देख भी सकते हैं मॉल का मैं आपको शॉर्ट्स भी दिखाती रहूँगी साथ साथ तो टाइम फॉर शॉपिंग लेकिन ग्रोसरी करनी ज़रूरी है सो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छा बनाया था पैकेजेस मॉल मुझे कोई ऐसे इसकी कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे हम जस्ट कम हेयर और लग रहा है जैसे चांद रात है यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा कि मतलब इतना रात के 10 बजे इस टाइम लेकिन बड़ा रश है पूरी दुनिया आई हुई है सो आई विल शो यू मोर मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया लेकिन मैंने ये देखने मैंने आपको ग्रोसरी दिखाने से सब्जी कीमा शीमा यहाँ चिकन बन रहा है चिकन वैसे मैं कम ही खाती हूँ और घर में भी हम कोशिश करें चिकन ना खिलाएं गोश्त जो है वो बन रहा है वो मटन कीमा और गोश्त सब्जी मैंने ले ली है सब्जी इतनी फ्रेश नहीं थी टमाटर लिए हैं आलू ले लिए और ये आपने ठीक है जी सो मैंने फिर भी चुपके से वीडियो बना लिया कैश काउंटर भी बना दूँगी बैक फ्रॉम पैकेजेस मॉल और बहुत रश था शॉपिंग करते करते मैं तो काफ़ी थक गई मैंने सिर्फ ग्रोसरी की एक मैंने वो अबाया की वहाँ पे दुकान थी वहाँ से मैंने एक अबाया भी लिया उसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई बिकॉज वो कैमरा वो नहीं बना रहे थे कह रहे थे कि यू नो हालांकि उनकी पब्लिसिटी हो जाती बट आई डोंट नो व्हाट ब्रांड व्हाट वॉज दैट बट लेकिन अच्छे अबाया थे तो मैंने एक ब्लैक अबाया लिया कॉटन टाइप का था बिकॉज आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पहने नहीं जा रहे अबाया फिर उसके बाद फातिमा को पिक किया इतना रश था इतना ज़्यादा रश था अभी आप सोचें बिकॉज ऑब्वियसली ईद आने वाली है सब लोग निकले हुए स्पेशली और फिर पैकेजेस मॉल सारी रात खुला रहता है तो मैं तो जाके परेशान हो गई मतलब इतना रश था क्यूज़ अंदर जाने के लिए क्यूज़ और फिर लिफ्ट में जाने के लिए क्यूज़ और लोग इतने बेसब्रे हो रहे थे कि आई कांट इवन टेल यू मतलब कोई सबर कुछ चक्कर ही नहीं है सब इम्पेशेंट हुए हुए थे और मैं ये सोच रही थी कि सारी खवातीन और इतनी दुनिया यहाँ पर आई हुई है तो रमज़ान में सिर्फ शॉपिंग ही कर रहे हैं इबादत नहीं कर रहे इससे मुझे एक ख्याल बड़ा इम्पॉर्टेंट आया जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है जब हम कुरान क्लास में जाते हैं जब हम दौरे कुरान में जाते हैं तो हमारे टीचर भी हमें उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की थी कि होता है कि हम पूरा रमज़ान रोज़े रखते हैं और चांद रात को हम जब वो आता ना कि इनाम आपने मेहनत की पूरा महीना और उसके बाद जब जब वो बारी आई कि आपको इनाम मिलेगा तो आप उस रात को आप शॉपिंग करने निकल गए आप इतनी शॉपिंग करने निकल गए मेहंदियाँ लगवाने निकल गए हम भी यही करते थे या फिर आपने क्योंकि पहले नहीं की होती और हर कोई कहता है जी चांद रात है चांद रात है चांद रात एक्चुअली वो रात होती है
जब आपको अल्लाह ताला आपको देना देने वाले होते हैं सब कुछ, सो कोशिश करें कि चांद रात वाले दिन घर से ना निकलें और जितनी इबादत कर सकते हैं, जितनी दुआएं मांग सकते हैं वो मांगें। देखिए ना, आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की हो और आपको पता हो कि बॉस इस दिन इनाम, मुझे इंसेंटिव मिलने वाला है या इनाम आज कुछ मिलने वाला है, तो लेकिन हम वो ज़ाया कर दें, हम वो शॉपिंगों में, हम फ्रेंड्स से मिलने में, पार्टीज़ में, सब ज़ाया कर देते हैं। कोशिश करें ईद से पहले रमज़ान में ही अपनी शॉपिंग वगैरह जो आपने करनी है वो कर लें। ईद उसकी होती है जिसकी दीद हो। अब ये इस पे आपको गौर करना है कि ये दीद क्या है। दीद तभी होती है जब आपने पूरी सच्ची ईमानदारी से रोज़े रखे हों, इबादत की हो, उसकी ख्वाहिश की हो, फिर होती है दीद, फिर दीद और फिर होती है ईद। सो प्लीज़ चांद रात वाले दिन कोशिश करें कि आप दुआ करें, इबादत करें और इस दफ़ा शॉपिंग ना करें, शॉपिंग पहले कर लें। अल्लाह करे कि हमें दीद हो और हम सब की ईद हो। रमज़ान मुबारक एक बार फिर से। इस तरह से कभी कभी वीडियोस बना के आपको दिखाती रहूँगी कि मेरी क्या एक्टिविटीज़ है और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। बट यू मस्ट विजिट पैकेजेस मॉल, बड़ा ज़बरदस्त है, बच्चों की बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है, बहुत अच्छी शॉपिंग है, आप लोग ज़रूर जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।